हेलो बच्चों बच्चों, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, मतलब राष्ट्रीय गणित दिवस। ये जो बच्चों ये दिवस है, ये एक हमारे साइंटिस्ट, मैथ्स के साइंटिस्ट श्रीनिवास रामानुजन की बर्थडे को मनाया जाता है। ये जो श्रीनिवास रामानुजन थे, इन्होंने गणित यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति करी, मतलब इन्होंने बहुत सारी ऐसे चीज़ों का डिस्कवर या इन्वेंट किया जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम आई। तो इसलिए आज हम आपकी एक एक्टिविटी कराएंगे। ये है बच्चों, आपको क्लॉक दिख रही है, आपको क्लॉक घड़ी कहते हैं ना इसको, घर पर ऐसी होती है, ये हमने बनाई है कार्डबोर्ड पर। तो ये हमारी क्लॉक है, आज हम आपको इसका टाइम बताएंगे, टाइम क्लॉक में कैसे देखते हैं। बच्चों आप सबको सबसे पहले ये याद करने के लिए 5 का टेबल याद होना चाहिए। 5 के टेबल से आपको टाइम देखना आ जाएगा। अब कैसे देखेंगे हम टाइम? ये जो बच्चों हमारी निडल होती है, जो होती है ना, जो धीरे धीरे रुक रुक के ऐसे 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 कर करके पहुंच जाती है, इसको कहा जाता है मिनट क्लॉक, मिनट निडल। और इसको कहा जाता है, ये जो हमारी छोटी वाली होती है ना, इसको कहा जाता है आर निडल। कौन सी? आर निडल। और जो हमारी घूमती रहती है ना कंटिन्यू, उसको कहते हैं सेकेंड निडल। सेकेंड मतलब वो सेकेंड के बारे में बताती है कितने सेकेंड हो गए। तो जो ये हमारी मिनट वाली निडल है, जब ये 12 पर होती है और किसी भी नंबर की तरफ होती है, सपोज ये 3 के सामने है, अगर ये हो 2 के सामने, मतलब 2 बज गए। क्या बात, कितने बज गए? 2। 2 o'clock कितने हो गए? 2 o'clock। अगर 3 के सामने आ जाती है तो 3 o'clock, 4 के सामने आ जाती है 4 o'clock, अगर 12 पे होनी चाहिए, ये 12 पर ही छोटी सुई किसी भी नंबर पर 5 o'clock। इसी तरह से जब दोनों सुई ये 12 पर आ जाती है तो ये हो जाते हैं 12 o'clock, क्योंकि जो ये छोटी सुई जिस नंबर पर होती है उसी का हम क्लॉक करते हैं। अब ये तो बड़ी सुई 12 पे थी, इसलिए हमें पता चल गया मिनट वाली निडल। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर ये सपोज ये 1 पर आ गई और ये 2 पर ही थी, ये 1 पर और ये 2, 1 पर आ गई बड़ी वाली, तो ये इस 1 को हम कहेंगे 5 1 5, मतलब 2 के पास है ना, तो ये बन जाएंगे 2:05। कितने मिनट? 2:05। ये 5 1 यहां पर मतलब होता है, इसके और इसके बीच में 5 मिनट्स का गैप होता है। कितना गैप होता है? 5 मिनट्स का। अब हम कहेंगे ना कि जैसे कि अभी ये मान लीजिए, अब हमारे जो है ये छोटी सुई हमारी 2 के पास है ना, तो मतलब 2:05। अब ये जब आगे आ जाएगी, 2 पर आ गई और ये यहीं पर रहेगी, थोड़ा सा ये तो धीरे धीरे चलती है ना। अब ये 2 के पास, बड़ी सुई 2 पर आ गई और ये थोड़ी इसके पास है, तो अब बताइए, मैंने बताया इसके बीच में 5 का गैप होता है, तो जब यहां पर 5 था, अब यहां पर 5 का गैप हुआ तो कितना हुआ? 6 7 8 9 10, तो यानी कि 2:10। 5 1 5 और 5 2 10, मतलब 5 के टेबल से अब यहां पर जब आएगी तो 15, क्योंकि 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, और 5 11 55, और जब 12 पे दोबारा आ जाएगी और जिस पर भी होगी तो मतलब 60 हो जाते हैं, तो मतलब जो भी टाइम होता हो जाता है पूरा, कि ये 1 घंटा हो गया। जब ये निडल पूरा क्रॉस करके 12 पर आती है तो मतलब पूरा 1 घंटा हो जाता है। कितने घंटे? 1 घंटे। और ये जिसे कहते हैं ना कि 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे हैं ऐसे। तो सपोज अब जब ये हमारी इस पे आई तो ये कितने हो गए थे? 2:10। अब जब इस पे आएगी और ये यहीं रहेगी 2 के पास, तो ये हो जाएंगे 2:15। जब ये यहीं रहेगी और ये जिसके पास भी होगी, सपोज ये अब 3 के पास आ जाती है छोटी सुई, तो अब 3 बज के होंगे। अगर ये 4 के पास आ जाती है तो जो मिनट होंगे 4 बज के। अब जैसे कि ये 4 के पास है और ये नीचे 6 पे है, तो 4:05 6:30, तो 4:30। हाउ मेनी मिनट्स? 4:30, इसको बोलते हैं हाफ पास्ट थ्री। अब ये 3 के पास है ना, जिसके पास भी होती है आप अपनी क्लॉक में देखिएगा, ये जिसके पास भी होती है, 2 के पास है तो 2 से थोड़ा नीचे है, 2 से नीचे जा रही है। अब ये यहाँ पे जब ये 3 के नीचे जाएगी ना, जब हम 3 काउंट करेंगे, 2 के नीचे आ रही है तो हम 2 से ही काउंट करेंगे, 2:15, 2:15। जब ये 3 के नीचे आएगी तो 3 बज के, जिस जिसके नीचे आती जाएगी वो 2:15। ठीक है, अब ये मान लीजिए अब ये यहाँ पे आ गई 5 9 45 और 3 के पास है तो 3:45। सिंपल
हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको एक्टिविटी अपनी जो है, मैंने तो आपको इतना सारा टाइम बताया, आप मुझे समझाएंगे, वीडियो बनाकर भेजेंगे, और ये वीडियो बच्चों कंपलसरी है, इससे आपके एनुअल एग्जामिनेशंस के मार्क भी इंक्लूड होंगे। तो ये काम आपको करना है जल्दी, उसके बाद अपनी वीडियोस इसी तरह से आपको एक क्लॉक बनानी है। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।